सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फाइनल कंज्यूमर एंड कंज्यूमर गुड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनल कंज्यूमर क्या होते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और कंज्यूमर गुड क्या होती है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जाम्पल के साथ इनका कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले वर्ड कंज्यूमर का मतलब आपको बता देता हूँ। कंज्यूमर का मतलब होता है वो पर्सन, वो आदमी जो चीज़ को खुद इस्तेमाल करता है, खुद कंज्यूम करता है, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। आपकी अम्मी ने बोला जाओ बेटा मेरे लिए मेडिसिन ले आओ। आप दुकान पे गए, आपने मेडिसिन खरीदी, आप क्या हैं? कस्टमर हैं। आपने मेडिसिन खरीदी, आप क्या हैं? कस्टमर हैं। आपने मेडिसिन खरीद के अपनी अम्मी को दे दी, आपकी अम्मी ने खुद खा ली, खुद इस्तेमाल कर ली, खुद यूज़ कर ली, तो आपकी अम्मी क्या है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो खुद इस्तेमाल करता है प्रोडक्ट को, खुद यूज़ करता है, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। अभी बात आ जाती है कि फाइनल कंज्यूमर क्या होता है। फाइनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को ख़रीदता है खुद के लिए, खुद कंज्यूम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दुकान पर गए, आपने कहा भैया एक कॉफ़ी दे दो, आपने कॉफ़ी ली और उसको पी लिया। आपने दुकान पर गए चाय ख़रीदी, तो चाय ख़रीद के उसको पी लिया, 20 रुपये का कप, 15-10 रुपये का, जितने का भी। तो आपने क्या किया? आप क्या है? फाइनल कंज्यूमर है कि आपने उस चीज़ को कंज्यूम किया है, आप क्या है? फाइनल कंज्यूमर है। फॉर एग्जांपल, आपने बिस्किट ख़रीदा दुकान से और बिस्किट खुद खा लिया, तो आप क्या है? फाइनल कंज्यूमर है। फॉर एग्जांपल, आपने बिस्किट ख़रीदा और ख़ुद नहीं खाया, आपने जाकर अपने भैया को दे दिया या अपनी छोटी बहना को दे दिया, उसने खा लिया, तो वो क्या है? फिर छोटी बहना आपकी कंज्यूमर है जो उसको खा रही है। तो ये चीज़ फाइनल कंज्यूमर का ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अभी बात आ जाती है कि कंज्यूमर गुड क्या होती हैं। कंज्यूमर गुड बेसिकली वही गुड्स होती हैं। गुड्स का मतलब क्या होता है? अशिया, प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट होती हैं जो कंज्यूमर इस्तेमाल कर सकता है, जो उसके इस्तेमाल में आ सकती हैं, जो उसकी उसको सेटिस्फाई कर सकती हैं, उसकी जो वांट्स हैं, उसकी जो नीड्स हैं, जो करंट नीड और वांट्स हैं, उसको फुलफिल कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लकड़ी है खाली, एक लकड़ी मैं आपको ला के दे देता हूँ, उसका क्या यूज़ करेंगे आप? कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते उसको नहीं, एज अ कोई उसका इतना आपको बेनिफिट नहीं होगा, उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। यही उस लकड़ी को इस्तेमाल करके मैं आपको एक चेयर बना कर दे दूँ, तो ये क्या है? आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चेयर है ना, चेयर, ये क्या है? कंज्यूमर गुड है। इसी तरह एक टायर मैं आपको ला कर दे देता हूँ बाइक का, आप उसको क्या यूज़ करेंगे? कुछ भी नहीं। इसी तरह वो टायर आपको बाइक के साथ लगा कर दूंगा, फिर आपको उसको एक वो कंज्यूमर गुड में है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी तरह मैं आपको सिंपल एक धागा ला कर दे दूं, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह उस धागों को जोड़ कर मैं एक कपड़ा बना के दूं, एक आपको क्लॉथ बना के दूं, उसको आप कंज्यूम कर सकते हो, वो आपको बेनिफिट देगा, उसको हम कहेंगे कंज्यूमर गुड, जो आपकी नीड्स को, आपकी वांट्स को फुलफिल करे। जैसे एक किताब है, ये भी कंज्यूमर गुड्स में आ जाती है। अभी ये जो साल्ट है ना, खाली साल्ट, अभी एक एग्जांपल आ जाती है कि साल्ट, जो साल्ट है, नमक कंज्यूमर गुड में नहीं आता, क्योंकि वो इंटरमीडिएट ग्रुप में आ जाता है, गुड्स में आ जाता है। अभी साल्ट जब तक हांडी में नहीं डलेगा और हांडी में वो अपना एक जायका नहीं बनेगा, तब तक वो कंज्यूमर गुड नहीं बनेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फाइनल कंज्यूमर का और कंज्यूमर गुड का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।